गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आपका ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो हो सकता है कि मेरी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आप सभी का। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे, और हमेशा मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी गाइस से, जिसके भी माँ बाप है वो अपने माँ बापों की बहुत सेवा करें, क्योंकि जब खुद पे बीतती है तभी पता चलता है। गाइस मेरी मम्मी इतनी बीमार हुई भी और मेरे भाइयों ने इनको इनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की, और मैं तो उनका 4 महीने हो गए मेरे को। कभी मैं अब 15 दिन अपने रूम में रहती हूँ, 4 दिन मैं यहाँ रहती हूँ, 15 दिन अपने रूम में, फिर से यहाँ आ जाती हूँ 4 दिन अपने मम्मी के पास इनकी देखभाल करने के लिए। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कुछ होता ही रहता है। तो गाइस मैं ये बोलती हूँ, जैसा करेंगे वैसे भरेंगे। और मैं तो लड़की हूँ, फिर भी मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, अपनी माँ के साथ हमेशा साथ देती रहती हूँ, जितना भी मेरा हो मेरे से होता है। देखो मेरे पास पैसे तो मेरे पास नहीं होते, ये किसी के पैसे के लिए किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है, और ये सभी नहीं है कि हमारे से भी बोलते तुम मेरे को दवाइयाँ ले आओ पैसे खर्चने के लिए, इनसे ही हम पैसे लेते हैं। पर ये है कि साथ तो चाहिए, इनकी उम्र ही ऐसी है, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो कम से कम सारी उम्र तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे बच्चों को पाला, अपने पोता पोती को पाला देखा। पर अब बहू बेटा इनसे दूर हो चुके हैं, तो मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ अपनी मम्मी का। और बच्चा भी रूम में छोड़ा हुआ मैंने, तो अब मैं आज मतलब अपनी मम्मी के पास आई थी, इनकी हेल्प की, इनको दवाइयाँ दी। अब कल मैं जाऊँगी अपने राजीव को भी देखूँगी, जाके उसको भी देखूंगी, क्योंकि ये जवान बच्चा है, स्कूल का भी देखना पड़ता है, उसको काम भी करवाना पड़ता है, टाइम से सुबह उठाना पड़ता है, नहीं उठते बच्चे, नींद नहीं खुलती बच्चे की, और कैसे उसने खाना बनाएगा? वैसे तो बना तो लेता है, पर फिर ध्यान नहीं होता, कई बार गेम खेलने लग गया, फ़ोन में लग गया, फिर चाय उबल जाएगी अगर चाय बनाए। आज बता रहा था कि मम्मी मैंने चने बनाए और तड़का जल गया, तो मेरे को उस मैंने दोबारा से तड़का बनाया, फिर मैंने चने बनाए, और मैं कुकर में डाल के आई थी चने, भाई ये पक जाएंगे तो बेटा तड़का लगा दियो, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं आ गई थी दिन वाली बस में, यहाँ पे हमारे एक दो ही बसें आती है। गाइज मैं यही बोलती हूँ सभी के लिए कि अपने माँ बापों की सेवा कीजिए। अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, अगर नर्क देखना है, तो आपके बच्चे हैं आपको नर्क दिखा देंगे, और जैसी करनी भरनी यही होती है। सबसे बड़े माँ बाप की सेवा, बाकी सब उससे बाद। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। और ये है कि मैं किसी के लिए ना अच्छा बोलूँगी बुरा बोलूँगी, जो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना, पर यही कि मैं यही बोलूँगी, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता इस दुनिया में। क्या ही लगाया हुआ आपने? बीमार आओ, बीमार तो है आप जाज उरे शेड में, उरे मिर्ची लगाई, शिमला मिर्च, ये वो क्या बोलते इसको, बैंगन, चास बूटा होना है बैंगन का, तो खेत तो बाया नहीं, ऐसे खून खून के लगा दिया है, खोद खोद के है लगा दिया मैंने, तो वो आए नहीं ना, बोलो हमने अपना बाना, हमने अपना काम करना, तो उतने को तो ये पौध भी खराब हो जानी थी। खाने की मिर्चे है ना, लाल मिर्च, मिर्चे कुछ उसकी है, शिमला मिर्च। मेरे साथ मेरी बहू नहीं आई ना, मेरा बेटा आया, जब मैं लगा देती तो बहू मिनट में आती चोरी करना। अच्छा
मिनट में आती है चोरी करने, लकड़ी अब चोर लेती है मेरी। ये देखो ऐसे लगा दिया जैसे किसी को चाह होता ना तो ऐसे भी लगा देते हैं। मुरझा गई है, चलो फिंच देते हैं इसको। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को कई दिन हो गए ऐसी कुछ बुखार सा, सिर में दर्द। आगे भी लगाऊंगी कुछ, अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। खमानी कब होने मम्मी तैयार? ये देख तू होने लगे थे पीले पीले। कहाँ है पीले? ये देख। अहा, अगले महीने तक पर है नहीं इस बार ज्यादा, है ना? है नहीं, खत्म ही हो गया ना। फिर आटा बड़ा गिर गया सब, खाने को भी नहीं इस बार तो, है ना? गाइस मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ और ये इनकी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। इनको दवाई भी लेके आई थी मैं, और ये है काम ही करते रहते हैं फिर भी रह नहीं सकते बिल्कुल भी, बेले के रहना भी। मेरा ना ध्यान एक कीड़े की तरफ जा रहा है, एक कीड़ा ना पत्नी कैसा अजीब सा कीड़ा है, अच्छा मकड़ी को लेके जा रहा है एक, वहाँ ध्यान था मेरा। गाइज मैं अपने घर गांव में आई हूँ अपने मम्मी के पास, और उनके साथ में सिंचाई कर लेती हूँ। उन्होंने बैंगन शिमला मिर्च लगाई हुई और खाने वाली मिर्ची होती हरी वो लगाई है, खेतों को ऐसे देख नहीं सकते भी कुछ लगाया ना वो खेत में, तो इन्होंने खुद अकेले खोद खोद के लगाया हुआ, क्योंकि इसमें ना वो बैल के साथ निभाया हुआ ना ही कोई मशीन के साथ इसमें ट्रैक्टर से काम किया गया कोई, क्योंकि ये इस टाइम सीजन का टाइम होता है, लोग नहीं आते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं और नहीं आए कोई भी, तो मम्मी ने खुद ही इनको खुद इसमें ऐसे खड्डे कर करके खुद ये लगाए, और ऊपर से इनकी तबीयत भी ठीक नहीं, इतनी खांसी हुई हुई इनके, कल परसों भी हम बहुत सारी दवाइयाँ लेके आए इनको, और अभी भी लगे हुए काम करने के लिए। कल से इनके सिर दर्द थी बहुत ज़्यादा और इतनी दर्द हुई थी, तो आज मैं इनको सिर दर्द की दवाई लेके आई थी, इनको माइग्रेन जैसी की शायद दर्द हुई थी तो उनको दवाई दी तो थोड़ा फर्क हुआ, बस बेले नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी, अब फिर से लग गए काम करने के लिए। और गाइस मैं अब मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प कर लूँ, आने पानी लेने कभी तो आने नहीं मिल जे, आएंगे तो कर लेंगे ऊपर को, तब तो खींचू भी पाइप है ना, वो भी भर लेते हैं परले वाली ड्रम में, है ना? तो गाइस में हम पानी भर लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा लहसुन लगाया था ये वाला, पिछली बार मैंने इसकी थोड़ी सी निंदाई की थी, दो तीन क्यारी है, ज़्यादा नहीं है ये वाली, बस ऐसी ये। और ये अंगूर की बेले है, पता नहीं इसमें बरसात के दिनों में लगेंगे इसमें अंगूर। और मैं अब पाइप लेने जा रही हूँ पानी की, और ये हमारे यहाँ पे गुलाब के फूल लगे हुए, और यहाँ भी बहुत अच्छे फूल है, देखो कितने अच्छे फूल हैं। और हाय ये खुमानी का पेड़ है, इसमें अभी कच्चे है, और ये गुलाब का एक पौधा यहाँ फिर से है, बहुत सारे गुलाब लगे हुए हमारे आंगन में भी, बहुत सारे गुलाब के पौधे लगे हुए। अब ये पाइप पानी की भी बताती हूँ अभी आपको, वहाँ ऊपर से ये सड़क के लिए ना, ऊपर सड़क के लिए की हुई है ये वाली ग्रीन वाली पाइप, वहाँ से खींचनी पड़ेगी, बहुत हैवी पाइप है, बहुत हैवी, खींची नहीं जाती है। मम्मी ऐसे इसकी सिंचाई करते हैं मिर्चों की,
अभी मैंने पाइप भी की हुई ऊपर से, तो हम जब ड्रम खाली हो जाएंगे ना ये वाले, तो उसमें ड्रम में भरेंगे हम। हम लगते फिर पानी परे से, ये वाली बाल्टी लेके आते हैं। गाइज बाल खुले, क्रेचर पता नहीं घर में गिर गया कि कहाँ गिर गया क्रेचर, मेरे को लगता है कमरे में ही रह गया। और पहले मैं बाल बांध लूँ, बार बार इधर उधर को जा रहे हैं, और फिर कर रही हूँ काम। अब इनको शौक है तो क्या करना पड़ता है, अभी इनके साथ तो देना ही पड़ता है। अब लगाए भी मिर्चे, इनको पानी तो देना पड़ेगा, एक ज़मीन में से खोके दूसरी ज़मीन में लगाए हुए पौधे, इनको ऐसे तो रख नहीं सकते, इनको जब लगाए हुए तो देखभाल तो करनी पड़ेगी इनको। बेशक इससे कोई फ़ायदा होगा चाहे ना होगा, पर ये कि हम इसको सिंचाई करेंगे इसकी, और मैं इसको सिंचाई कर लेती हूँ मम्मी के साथ। वैसे तो यही करते हैं डेली, और मैं तो आज ही आई थी दिन में दवाई लेके, तो दवाई दी और इनको फ़र्क पड़ा थोड़ा सा हल्का सा, तब ये मेरे साथ काम करने के लिए आ गए। मेरे साथ नहीं आए पर मैं इनके साथ हेल्प करने के लिए आ गई।